Hello friends, I welcome you all to your YouTube channel Sailor Talks. In today's video, we will talk about how to join Merchant Navy. Merchant Navy में join कैसे करें? Merchant Navy में join करने के लिए दो department होते हैं. First one is Deck Department and the second one is Engine Department. In Deck Department, you can join as Deck Officers or Deck Crew. In engine department, you can join as marine engineers or engine crew. Merchant Navy join करने के लिए आपको कौन कौन से courses करने की ज़रूरत है? Deck officer बनने के लिए आपके पास दो course हैं. आप इनमें से कोई भी course कर सकते हैं. BSc Nautical Science जो कि 3 साल का course है, ये एक degree course है. इसके बाद आपको graduation degree मिलती है. दूसरा course है DNS. इसको Diploma in Nautical Science भी कहते हैं. ये 1 साल का diploma course है. मरीन इंजीनियर बनने के लिए आप या तो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं या जीएमई कोर्स कर सकते हैं, जिसको ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग भी कहते हैं. बीटेक मरीन इंजीनियरिंग 4 साल का डिग्री कोर्स है. इसके बाद आपको बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है. जीएमई कोर्स 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है. बीटेक मरीन इंजीनियरिंग आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं, लेकिन जीएमई जो कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, ग्रेजुएशन इन मरीन इंजीनियरिंग, इसके लिए आपको 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य है. तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री है, वो अपना करियर मर्चेंट नेवी में बनाना चाहते हैं, वो जीएमई कोर्स के थ्रू मर्चेंट नेवी में एंट्री कर सकते हैं. डेक क्रू और इंजन क्रू बनने के लिए आपको एक कोर्स करना पड़ता है, जिसको कि जीपी रेटिंग कहते हैं. जीपी रेटिंग कोर्स 6 महीने का कोर्स है. अब आइए जान लेते हैं बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस, जीपी रेटिंग, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, जीएमई, इन सब कोर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और इन सब कोर्स को करने के लिए आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं. इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी IMU कई तरह के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसको कि IMU CET कहते हैं. इंडियन मैरिटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. IMU CET एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप BSc नॉटिकल साइंस, DNS, BTech मरीन इंजीनियरिंग एंड GME कोर्स कर सकते हैं. IMU CET एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, जिसमें कि मेरिट वाइज आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है. इसके बाद आपने जो सा IMU CET एग्जाम दिया हुआ है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं. IMU CET बीएससी नॉटिकल साइंस, IMU CET DNS, IMU CET बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, IMU CET GME. अब जीपी रेटिंग की बात कर लेते हैं. जीपी रेटिंग करने के बाद आप डेक क्रू या इंजन क्रू ज्वाइन कर सकते हैं. जीपी रेटिंग के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं. जीपी रेटिंग 6 महीने का कोर्स होता है. अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, IMU CET बीएससी नॉटिकल साइंस में अपियर होने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है विद मिनिमम 60% मार्क इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. IMU CET DNS एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको 60% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स इन 12th बोर्ड एग्जाम ज़रूरी होता है. IMU CET बीटेक मरीन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको 60% मार्क्स इन योर 12th एग्जाम ज़रूरी होता है. IMU CET GME एंट्रेंस एग्जाम में अपियर होने के लिए आपको बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना ज़रूरी होता है.